हेलो दोस्तों, माय नेम इज संतोष कुमार एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। हाय दोस्तों, मेरा नाम संतोष कुमार है और मैं आ गया हूँ नई वीडियो के साथ। सो अगर आपने मेरा इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, सो यू कैन ऑलवेज फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। एंड आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं एडवर्ड एड प्रमोशन के बारे में। डेफिनेटली गाइस, अगर आप मेरा इससे पहले वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने बात की थी फेसबुक पर अपने एड को प्रमोट करने के लिए। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एडवर्ड पर कैसे हम लोग अपना कोई भी वीडियो का एड पोस्ट कर सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, डेफिनेटली आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग कोई वीडियो प्ले करते हैं तो प्ले होने से पहले हमारे पास वीडियो पर ऐड आता है, एक वीडियो ऐड आता है जो कि कभी कभी स्केपेबल ऐड होता है, कभी कभी नॉन स्केपेबल ऐड होता है। और डेफिनेटली वो एडवर्टीजमेंट जो होती है किसी कंपनी का प्रमोशन होता है, कभी किसी इंस्टीट्यूट का प्रमोशन होता है, कभी किसी ब्रांड का प्रमोशन होता है। सो इस प्रकार से मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि हम लोग कैसे अपनी पर्सनल ब्रांड या फिर पर्सनल किसी कंपनी या फिर कोई ऐड कैसे प्रमोट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपकी कोई कंपनी का ही ऐड हो, ये आपका अपने यूट्यूब का चैनल का भी ऐड हो सकता है। सो मैं इसमें एक एग्जाम्पल देकर आपको बताने वाला हूँ। अगर आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो डेफिनेटली इसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाएगी अवेलेबल। अगर मैं बात करूँ सीपीसी सीपीएम की तो उसके लिए मुझे एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा। सो डेफिनेटली गाइज, इस टॉपिक को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, इस वीडियो में नहीं। इस वीडियो में मैं खाली आपको बताने वाला हूँ कि हम लोग कैसे अपना एड पोस्ट कर सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एडवर्ड पर हम लोग कैसे अपना एड पोस्ट कर सकते हैं। तो आइए उसके लिए स्टार्ट करते हैं। सब आपको क्या करना होगा, सिंपली क्लिक कीजिए कैंपेन पर, न्यू कैंपेन। न्यू कैंपेन में जाकर आपको क्या करना होगा, रीच कस्टमर इंटरेस्ट इन योर प्रोडक्ट और सर्विसेज विद टेक्स्ट एड्स। यहाँ पर शो हो रहा है कि आप कस्टमर्स को टेक्स्ट में ऐड दे सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट। रन डिफरेंट काइंड ऑफ ऐड अक्रॉस द वेब, वेबसाइट पर आप डिफरेंट डिफरेंट तरह के ऐड दे सकते हैं। प्रमोट योर प्रोडक्ट्स विद शॉपिंग एड्स, शॉपिंग की वेबसाइट जो होती है उन पर आप अपना शॉपिंग करने के लिए कोई ऐड दे सकते हैं। रीच एंड एंगेज व्यूअर्स ऑन यूट्यूब एंड अक्रॉस द वेब। सो जो हमें करना है, YouTube पर अपनी किसी वीडियो का ऐड पोस्ट करना है और यूनिवर्सल ऐप ड्राइव द स्टोर अक्रॉस द गूगल नेटवर्क। यहाँ पर अगर हम लोग अपना ऐड पोस्ट करते हैं तो आपका जो भी आपने एप्लीकेशन डिजाइन किया है एंड्रॉइड पर, उसका आप यहाँ पर ऐड पोस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर iOS पर ऐड पोस्ट कर सकते हैं। सो वीडियो पर क्लिक करेंगे। सो देखिए, यहाँ पर आपको दो तरह के ऑप्शन मिलते हैं वीडियो को पोस्ट करने के लिए, प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंस्ट्रक्शन। तो प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंस्ट्रक्शन में क्या है, एनकरेज पीपल टू कंसीडर योर प्रोडक्ट एंड ब्रांड। सपोज कीजिए आपका कोई कंपनी या कोई प्रोडक्ट है, जैसे कि एडिडास की कंपनी है, उसका प्रोडक्ट होता है, आपने अक्सर देखा होगा एडिडास का ऐड आता रहता है, या फिर ओला का ऐड आता रहता है और ऊबर का ऐड आता रहता है। तो वो एक ब्रांड है जो कि अपने ब्रांड को प्रमोट करें। और नेक्स्ट है आपको ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच। सो रीच अ वाइड ऑडियंस टू जनरेट इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ योर ब्रांड। अगर आप कोई यूट्यूबर हैं तो आपके लिए ये ऑप्शन बेटर रहेगा। जैसे अगर आप यहाँ पर देखते हैं स्टैंडर्ड अवेयरनेस ड्राइव रीच इंप्रेशन एंड व्यूज। सो इसका मेन पर्पज यह होगा कि आपकी वीडियो पर व्यूज इंक्रीज करने के लिए। तो हम लोग इस पर क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे अपने कैंपेन का आप कोई भी नाम रख दीजिए, जैसे कि लिए वीडियो व्यूज, वीडियो बजट। यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि आपके डेली का बजट क्या है। सपोज कीजिए आपको कैंपेन चलाना है, पूरा डेली चला, डेली बेसिस पे आप पे करना चाहते हैं या फिर टोटल कैंपेन में पे करना चाहते हैं। तो सपोज कीजिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कि टोटल कैंपेन में, टोटल कैंपेन का मतलब क्या होगा, डेली बजट में अगर आप 100 रुपये सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप 7 दिन के लिए कैंपेन चलाना चाहते हैं तो 700 रुपये आपके लगेंगे। और टोटल कैंपेन में आपका जो बजट है 100 रुपये या फिर 700 रुपये या फिर जो भी आप चूज कर सकते हैं, वो यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो कैंपेन टोटल बजट रिप्रेजेंट योर टोटल स्पेंड फॉर ड्यूरेशन ऑफ कैंपेन, यू मस्ट शेड्यूल एंड एंड डेट फॉर दिस कैंपेन। सो सपोज कीजिए मेरा कैंपेन का टोटल का जो बजट होगा इनिशियल 100 रुपये है और मैं चाहता हूँ कि स्टार्ट डेट इसका 25 तारीख हो, लास्ट डेट इसका 26 तारीख हो। सो ये वाला ऑप्शन सेकंड वाला जो है, इसमें क्या होता है, जब भी आप कोई वीडियो प्ले करते हैं उससे पहले जो ऐड आता है ये वो होता है। तो आप इसको चूज कर लीजिए, वीडियो पार्टनर ऑन द डिस्प्ले नेटवर्क, और आप अपनी लैंग्वेज यहाँ पर चूज कर लीजिए। सपोज कीजिए मेरी इंग्लिश और हिंदी, CPV और CPM। तो आप कैसे प्ले करना चाहते हैं, CPV का मतलब है कि आप जब भी आपके नंबर से जब भी आपकी वीडियो का एक व्यू होगा वहां पर आपका पैसा कटेगा। सो CPM का मतलब है जब भी आपके 1000 व्यू होंगे तब वहां पर जो आपका टोटल अमाउंट होगा, जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा उतना कटेगा। तो सपोज कीजिए मैं CPM सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर YouTube टॉप कंटेंट्स अप्लाइड ओनली फॉर दीज कंट्रीज मार्केट, US, ऑस्ट्रेलियन, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी एंड कैनेडा। सो इंडिया के लिए नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं।
यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं कि आप किस ऑडियंस के लिए आप चाह रहे हैं कि उनको आपका एड शो किया जाए 65+, तो यहाँ पर आप सारे चूज कर सकते हैं। अगर आप किसी को चूज नहीं करना चाहते हैं तो आपके वीडियो के ऊपर डिपेंड करता है, आप उसके अकॉर्डिंगली सेलेक्ट या डिसलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट योर ऑडियंस टारगेटिंग, आप अपने ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं कि आपकी जो ऑडियंस है वो एक्चुअली में कैसी होनी चाहिए। सो टॉपिक यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपका किस टॉपिक का आपका एड होने वाला है और किस टॉपिक पर वो, किन वीडियोस पर वो शो किया जाए। सो कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो यहाँ पर आपको उस वीडियो का एड तो यहाँ पर आपको क्या चूज करना है, सिंपली आप अपना यूआरएल एंटर कर दीजिए, जो भी आप यूआरएल रखना चाहते हैं। ऑलराइट, और उसके अलावा आपको मेक श्योर करना होगा कि जो आपने एड डाला है यहाँ पर स्ट्रीम एड सेलेक्टेड है। स्ट्रीम एड कौन से होते हैं, जब भी कोई वीडियो प्ले होती है उससे पहले जो 30 सेकंड तक के ऐड चलते हैं, 30 सेकंड तक अगर कोई यूजर इनको प्ले करेगा तभी आपको चार्ज लगेंगे इसके। अगर 30 सेकंड से कम कोई इसको प्ले करेगा तो आपको चार्ज नहीं लगेगा। और बम्पर ऐड वो वाले ऐड होते हैं जो कि 6 सेकंड के ऐड होते हैं, जो कि आते ही खत्म हो जाते हैं। 6 सेकंड वाले जो ऐड होते हैं बम्पर ऐड में आपको चार्ज लगता ही लगता है। सो जो वीडियो डिस्कवरी ऐड होते हैं, जब भी कोई वीडियो कोई सर्च करता है, वीडियो कोई भी वीडियो को सर्च करता है तो वहां पर ये शो होते हैं साइड में, तो ज्यादा बेटर ये रहता है कि आप इन स्ट्रीम वाले ऐड चूज कीजिए और इसको अपलोड कर दीजिए। अपलोड करते ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका ऐड शो हो जाएगा इसका जो, और आप इसको ऐसे अपलोड कर दीजिए। बस आपको इतना करना है और इस तरीके से आप अपना कोई भी ऐड पोस्ट कर सकते हैं एडवर्ड में। सो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, और आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया। अगर आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि और लोग भी इसके बारे में जान पाए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, दिस संतोष कुमार साइनिंग ऑफ, हैव अ गुड डे, बाय बाय।